अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल हैं? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो व्यूवर्स, आपको पता है जैसे जावा का सीज़न चल रहा है, तो इस सीज़न में माशाल्लाह जावा एक बार फिर हॉट आइटम बना हुआ है। तो आज मैं कुछ जावा की मालूमात आपको आपके साथ शेयर करूँगा। तो पाकिस्तान में जावा चिड़िया की अफजाइश का ये महीना है। तो जावा चिड़िया अपने आबाई इलाक़ों और रहायश गाँव में साल भर अफजाइश के लिए जानी जाती हैं। हालांकि के मकामी आबो हवा और मालियाती हालात के लिहाज से अफजाइश के नमूनों में फ़र्क हो सकता है। पाकिस्तान में जावा चिड़िया साल भर में भी अफजाइश नस्ल कर सकती हैं। अफजाइश नस्ल की सरगर्मियाँ साल के मखसूस अवकात में ज़्यादा वाज़े हो सकती हैं जब हालात साजगार हो जाते हैं। अगर आप पाकिस्तान में जावा चिड़ियों की अफजाइश में दिलचस्पी रखते हैं तो ये यकीनन बनाना ज़रूरी है कि आप अपने परिंदों के लिए मौजूद माहौल फराहम करें जो अफजाइश के लिए साजगार हों। इसमें मुनासिब घोंसले, मवाद और बॉक्स फराहम करना, एक आला मियार की खुराक जो प्रोटीन और ज़रूरी गजाई अज़ा से भरपूर हो, और गर्म और मरतूब माहौल जो इनकी कुदरती रिहाइश गाह के लिए नकल करता हो। अपनी जावा चिड़ियों के रवैये का मुशाहदा करने से आपको ये तयन करने में मदद मिल सकती है कि इनकी अफजाइश कब होती है। जैसे गाना बुलाने, घोंसला बनाने या सरगर्मी और अपने परिंदों की कामयाब अफजाइश के लिए निगरानी करें, जैसे कि मादा अंडे देती है उनको सेकती है। तो व्यूअर, ये नोट करना ज़रूरी है कि जावा चिड़ियों की अफजाइश एक पेचीदा और चैलेंजिंग अमल हो सकता है जिसके लिए बहुत ज़्यादा इल्म और तजुर्बे की ज़रूरत होती है। अगर आपके पास पाकिस्तान में जावा चिड़ियों की अफजाइश के बारे में कोई सवालात या खशात हैं तो किसी माहिर या ब्रीडर से आप जो है रब्ता करें, वो आपको बहुत अच्छे तरीके से गाइड करेगा। बाकी है कि इनका सीज़न माशाल्लाह सितंबर में शुरू होता है और मार्च तक ये कंटिन्यू ब्रीडिंग करती रहती हैं, और एक क्लच में इनके अंडे देने की एवरेज 8 से 10 होती है। और जब अंडे पहले दिन से अंडे जब बैठती है तो उसके बाद ये है कि 21 दिन के बाद ये पहला जो है हैश हो जाता है। बाकी इनकी जो खुराक को आपको मैंने पहले ही बता दिया है, तो वैसे तो इनके लिए बारीक कंगनी, मोटी कंगनी, सावा और चीना और ये सब कुछ है, लेकिन ये चावल बहुत ज़्यादा शौक से खाती हैं, इसे मुंजी कहा जाता है। मुंजी अगर आप डेली बेसिस पे इनको दें तो इनके लिए कोई मसला नहीं, और भी बहुत शौक से खाती हैं। बाकी सॉफ्ट फूड भी लोग देते हैं, उनमें सॉफ्ट फूड भी ये बहुत अच्छे तरीके से खाती हैं, लेकिन मैंने जो अपने पास रखे हुए तो उनको आज तक सॉफ्ट फूड नहीं खिलाया, बस बारीक कंगनी और मोटी कंगनी के ऊपर है रखा हुआ, और किसी किसी उनकी इसको उनको मेडिसिन भी वगैरह भी नहीं देता। तो आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये चिक्स हैं सिल्वर के, ये वाइट और सिल्वर का पेयर है, उसमें से सिल्वर और ग्रे के जो है चिक्स निकले, माशाल्लाह 4 मंथ के हो गए और बहुत अच्छे और बहुत हेल्थी हैं। इनको मैं सिर्फ़ और सिर्फ फीड जो है इस बारीक कंगनी और मोटी कंगनी दे रहा हूँ, उसके अलावा किसी किस्म का कोई सॉफ्ट फूड वगैरह नहीं दे रहा, क्योंकि आजकल गर्मी भी बहुत ज़्यादा है तो इसलिए केयर करता हूँ। और दिन में पानी जो है कम से कम 3 बार मैं चेंज करता हूँ इनका, क्योंकि नहाती बहुत हैं और नहाने से इनके जो है जो फंगल इन्फेक्शन हो जाता है चोंच पर वो नहीं होता, और माशाल्लाह हेल्दी और बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती हैं। तो व्यूअर्स, आप भी अगर अपने जावा का शौक़ रखते हैं तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप कॉमन से स्टार्ट करें, क्योंकि इनमें ग्रे है, फिर वाइट है, फिर सिल्वर है और फिर फ़ोन है। फ़ोन का तो आपको पता है माशाल्लाह से आजकल जो एक बहुत ज़्यादा हॉट आइटम बना हुआ है, तो हर बंदा चाहता है मैं फ़ोन लगाऊं, लेकिन फ़ोन लगा नहीं सकता क्योंकि उसमें
बहुत ज़्यादा प्राइस हाई हो चुकी है मार्केट में। तो व्यूवर्स, आपको कैसी वीडियो लगी? एक नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर हूँ इंशाल्लाह ताला। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान।